संचार के कई लेवल्स हैं, कई स्वरूप हैं, एंड दीज लेवल्स आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पर्संस पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. लेट्स सी. एज यू कैन सी, देर आर नॉर्मली सिक्स लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन: ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, सोसाइटल कम्युनिकेशन एंड मैस कम्युनिकेशन. इन लेवल्स को हम अपनी दिनचर्या के जरिए समझने की कोशिश करते हैं. When we get up in the morning, many of us thank God and seek His blessings. Or when we say our prayers, go to a place of worship, or sit in meditation, we try to talk to the superpower who is beyond this world. That's why this is transpersonal communication. उसके बाद हम दिन भर के क्रियाकलापों के बारे में सोचकर अपना कार्यक्रम बनाते हैं, अर्थात स्वयं से ही बातें करते हैं. That is intrapersonal communication. फिर हम उठकर परिवार के सदस्यों को नमस्कार करते हैं, उनसे बातें करते हैं. दिस इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. उसके बाद स्कूल, कॉलेज या ऑफिस पहुंचकर अपने साथियों से बातचीत करते हैं, मीटिंग्स करते हैं. दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन. स्कूल, कॉलेज, ऑफिस से वापस आकर अक्सर हम बाजार जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं. वहाँ अनेक सामान्य लोगों से बातचीत होती है. That is societal communication. इस बीच हम समाचार पत्र, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं या इंटरनेट पर कई साइट्स का इस्तेमाल करते हैं. अर्थात हम मैस मीडिया के माध्यमों द्वारा समाचार पढ़ते या सुनते हैं, अनेक अन्य विषयों की जानकारी हासिल करते हैं और साथ ही अनेक कार्यक्रमों द्वारा अपना मनोरंजन भी करते हैं. दैट इज मैस कम्युनिकेशन. We'll be further discussing all these levels in detail, but in the next lesson, we'll first take up mass communication.